नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जो प्राप्त है पर्याप्त है। हम एक तरीके से देखा जाए तो हम हर परिस्थिति में हर समय मतलब भाग्यशाली हैं। तो भाग्यशाली इन द सेंस ऑफ इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं जिसकी हम कामना करते हैं कि हमारे पास में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो है वो कितने लोगों के पास है। ऐसे हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मतलब एक कहानी मतलब कहीं मतलब पढ़ी थी, तो इसमें एक बहुत बड़ा मतलब अमीर होता है, उसके पास में एक कार होती है। जैसे मेरे पास तो जो कार है वो करीबन 7.5-8 लाख रुपए की है, लेकिन उसके पास में रोल्स रॉयल गाड़ी थी जो कि लगभग 15 करोड़ रुपए की थी। वैसे तो वो 7-8 करोड़ की, 10 करोड़ की भी आती है। तो उसके साथ में एक उसका मतलब मित्र बैठा हुआ था, तो अपने वो मित्र से मतलब एक कंप्लेंट कर रहा था, देखिए ये क्या मेरे पास में मतलब रॉयल्स रॉयस मतलब गाड़ी है, 15 करोड़ की गाड़ी है और लगभग, तो देखिए मेरा जो दोस्त है उसने मतलब जेट खरीदा, जेट। अब आप जेट की तो आप कीमत जानते ही हैं, हो सकता है कि मतलब 300 करोड़ हो, 400 करोड़ हो। तो वो दुखी था, तो उसका जो दोस्त था उसने उसको समझाया कि भाई आपके पास तो ये कार है, हो सकता है कि मतलब कई लोगों के पास तो इससे सस्ती भी कार होगी, कार भी नहीं होगी, लेकिन क्या है कि लोगों के समझ में आती नहीं है जल्दी से। तो उसी दौरान एक आदमी आता है उसके पास और वो उससे कहता है कि देखो सर, आप कितने लकी हो, आपके पास में रॉयल्स रॉयल्स मतलब गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, और मेरे पास में तो एक खटाड़ा है जो अभी मैं जब निकला ऑफिस के लिए तो वो मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही और वो चली नहीं रही। तो कहने का मतलब ये कि जो फिर उसको महसूस हुआ, जो रॉयल्स रॉयल्स जिसके पास में गाड़ी थी उसको महसूस हुआ, ओ हो मेरे पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, इसके पास तो एक पुरानी गाड़ी है वो भी चल नहीं रही है सही ढंग से। तो वो जो जिसके पास में पुरानी गाड़ी थी मतलब रॉयल्स रॉयल्स से जो सस्ती गाड़ी थी वो दुखी था। तो उसी दौरान उसके पास में एक मतलब फिर एक आदमी आता है एक, तो अरे आप कितने भाग्यशाली हो, आपके पास में एक कार है देखिए, और आपको ये धूप से बचाती है, बरसात से बचाती है, और मैं कितना अनलकी हूँ कि मेरे पास तो ये साइकिल है और मैं साइकिल से ही मतलब आता जाता हूँ। और वो अपने ऑफिस देखिए, कमाल की बात देखिए, करीबन वो 30-35 किलोमीटर वो साइकिल से मतलब ऑफिस आता है। फिर उसको महसूस हुआ, ओहो मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास कम से कम, चाहे पुरानी है कैसी है, चाहे सस्ती है, मेरे पास कम से कम मतलब कार तो है। तो फिर वो जो आदमी था साइकिल वाला वो दुखी था, तो फिर उसने मतलब एक मतलब वो दुखी था। तो उसी दौरान एक लेडी मतलब इंतज़ार कर रही होती है, मतलब बस का इंतज़ार कर रही होती है, तो वो उसने कहा देखिए आपके पास में खुद के पास एक मतलब साधन है और मुझे तो मतलब बस में इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब इसमें भीड़ भड़के में जाना पड़ता है, और देखिए आज मैं 2 मिनट लेट हो गई तो बस भी निकल गई। तो फिर उसको एहसास हुआ साइकिल वाले को कि देखिए मेरे पास साइकिल है, अपना खुद का साधन है और मैं इसको जब चाहूँ जब ही मतलब चल सकता हूँ। फिर वो खुश हो गया मतलब उससे कंपेरिजन करके। तो उसी दौरान जब वो इंतज़ार कर रही होती है तो वहाँ पर जो बस के लिए, तो वहाँ पर एक व्हील चेयर पर एक मतलब एक बुज़ुर्ग महिला आती है, तो उसका जब दुखी देखती है भाई क्या है कैसे, तो उसने कहा देखिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, भीड़ भड़के में जाना पड़ता है, ये है वो जो भी है। तो उसने कहा कि देखिए कि आप मतलब बस में आ जा सकती हैं, मतलब जॉब कर सकती हैं देखिए, और मैं इस व्हील चेयर पर हूँ, यू आर लकी। तो हमारा इस कहानी के माध्यम से केवल इस एग्जाम्पल के जो हमने दिए हैं उसके थ्रू केवल हमारा यही कहना है कि जो हमारे पास में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमारे मतलब इस दुनिया के अंदर बहुत सारे, देर आर सो मैनी पीपल्स इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास जो है वो उन लोगों के पास में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जन कितने सालों से सुबह देखते हैं, रात देखते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब अगली सुबह भी नहीं देख पाते हैं, रात भी नहीं देख पाते हैं। तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना है कि आप अपने जीवन में यदि जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसकी आप ईमानदारी से मतलब मेहनत करें, कोशिश करें, और कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप यदि कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको जीवन में मिल भी जाए, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पर सवाल केवल ये उठ रहा है कि आपके पास जो है वो बहुत सारे लोगों के पास में इस दुनिया में नहीं है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और मैं अगेन इस वीडियो के एंड में एक बात और कहना चाहूँगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इस
मतलब पूरा संसार जूझ रहा है। अभी वैक्सीनेशन का हर दुनिया में मतलब महाभियान चल रहा है, वैक्सीनेशन में आप भाग लें और वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। और जब भी कहीं भी निकलें तो मास्क जरूर निकाल मतलब लगाएं, जैसे कि मैंने भी खुद ने लगा रखा है। और बार बार मतलब हाथों को सैनिटाइज करें, साबुन से धोएं। तो आपने और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मेरी एक लिंक दे रखी है, मोटिवेशन बुक है, जिससे कि आप उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।